हेलो स्टूडेंट्स आप सभी लोगों के बहुत कंसर्न्स आ रहे हैं रिगार्डिंग दी रीसेंट जो नोटिफिकेशन आया है फ्रॉम दी कॉन्सोटियम और बहुत परेशान हो रहे हो आप लोग बहुत सारे कंसर्न्स हैं डाउट्स हैं और क्यों ना हो इतना बड़ा चेंज इतना रैंडमली यहाँ पे किया गया है टेस्ट डे इंस्ट्रक्शंस में आप जाओगे तो एक पी आपको देखने को मिलेगा जो कि पिछले साल की तरह ही आपको लगेगा कि यार इट इज सिमिलर टू लास्ट ईयर बट एक बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे किया गया है तो इस नोटिफिकेशन को अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे रैंडम आप चीजें देखेंगे टेस्ट डे दे इंस्ट्रक्शंस में रिपोर्टिंग टू डे टेस्ट सेंटर एंड टेस्ट टाइमिंग्स यहाँ पे दिए गए हैं आपको डेढ़ बजे हॉल में चला जाना है और चार बजे से पहले आपको अलाउ नहीं किया जाएगा चार बजे आपको जाने को कहा जाएगा ऑल दैट वी ऑल न्यू यहाँ पे एग्जैक्टली exactly, इन्होंने लॉन्ग शॉर्ट बेल लॉन्ग बेल करके दिया है क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स पे इशू देखे गए थे लास्ट ईयर तो जो इशू uh, जो कंसर्न जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो है यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट में जो सी कॉलम है ये लास्ट ईयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था और स्टूडेंट्स को यहाँ पे बहुत कंसर्न्स uh, आ रहे हैं बहुत ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे हम भी आपके साथ पूरे तरीके से खड़े हैं क्योंकि वो सारे बच्चे हमारे जो मॉक प्रैक्टिस करते थे अंडरलाइन कर करके मार्किंग कर करके कर कर और हम ये सजेस्ट करते थे कि अगर तुम रीडिंग uh, स्पीड में उतने अच्छे नहीं हो या तुम्हें अगर कॉम्प्रेहेंड कॉम्प्रहेंड उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो मार्क कर लो मार्क करके पैसेज uh, को सॉल्व करो इतना रैंडम इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने इतना बड़ा चेंज किया तो क्वेश्चन बुकलेट में फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु डोंट नो दिस क्वेश्चन बुकलेट में पहले तो आप देखोगे द क्वेश्चन बुकलेट विल कैरी द कैंडिडेट्स फोटोग्राफ नेम एडमिट कार्ड नंबर अपॉन रिसीविंग द क्वेश्चन बुकलेट द कैंडिडेट इज रिक्वेस्टेड टू वेरीफाई द सेम ऑल राइट फिर उसके बाद क्वेश्चन बुकलेट कंसिस्ट ऑफ 120 सौ होंगे एमसीक्यूज दो ब्लैंक पेजेस मिलेंगे रफ वर्क के लिए कोई एडिशनल शीट्स नहीं मिलेंगी नो शूज ये जो थ्री पॉइंट है विल बी नो मार्किंग इन क्वेश्चन पेपर अदर देन स्पेस प्रोवाइडेड एज अ वर्किंग शीट यानी कि जो रफ कॉलम आपको दिया गया है सिर्फ उसमें ही आप कर सकते हैं जो भी सोल्यूशन करने अरे वो तो आपके लॉजिकल या क्वांट के लिए है लीगल का स्टूडेंट क्या करेगा इंग्लिश का स्टूडेंट क्या करेगा करंट का स्टूडेंट क्या करेगा किस तरह से वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा वो बच्चे जो अभी तक की मॉक सॉल्व करते थे बाय मार्किंग द क्वेश्चन पेपर ऑफलाइन और उसके बाद एंड में 15 मिनट्स रखते थे ओएमआर भरने के लिए उन स्टूडेंट्स का क्या होगा तो so, ये बहुत ही डेलमा वाली सिचुएशन है और मैं आपको बता दू कि ऐसे में जैसे हम आप डेलमा में हैं उसी तरीके से हर एक इन्विजिलेटर भी होगा तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन सो अब क्या करना है वो तो हम उसके ऊपर जाएंगे लेकिन आपके लिए ये है कि आप जिस तरह से भी इनके साथ कांटेक्ट करके अपना पॉइंट रेस कर सकते हैं बिफोर द एग्जाम आप रेस करिएगा और uh, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके कंसर्न्स uh, हमारे तक पहुंचे हैं जिनके मेल्स का रिप्लाई भी आया लास्ट ईयर भी और इस साल भी तो uh, उनका कहना ये है कि कॉन्सोटियम यहाँ पे आपको नहीं एक्सेप्ट करेगा अगर आपने कुछ भी मार्क किया यार आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम उठा के देख लो भारत में कहाँ पे आप अलाउ नहीं करते हो हम यहाँ पे जुडिशरी का एग्ज़ाम देते हैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया जाता है ऐसे नहीं होता है

क्योंकि वो लिंक था रिलेटेड था आप तुम्हें चेंज करना है नहीं कर पाओगे तुम चेंज सो यू हैव टू बी वेरी श्योर अच्छा एक और चीज है नो no मार्किंग का मतलब इन द क्वेश्चन पेपर ये भी हो सकता है कि आप क्वेश्चन के आंसर मार्क कर सकते हैं बट ये इन को कौन बताएगा दो बजे घंटी बजेगी आपको पेपर स्टार्ट करना है कौन अपना माथा फोड़ी करेगा वहां पे कोई किसी की नहीं सुनता बेटा कोई किसी की नहीं सुनता है तो आप वर्स्ट केस तिनारियों लेके जाओगे क्या आपको सोच के चलना है कि आपको अलाउ नहीं किया जाएगा अगर किया जा रहा है तो वेल एंड गुड है और आई डोंट नो व्हाई ऐसा कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं बिकॉज हर एक स्टूडेंट uh, का हर एक कैंडिडेट का जो बुकलेट नंबर होता है वो डिफरेंट होता है मतलब हाउ डू यू थिंक इवन की मेल प्रैक्टिस हो रही है क्योंकि अगर मैंने मान के चलिए क्वेश्चन टेन का डी भरा है तो वो क्वेश्चन नंबर टेन के ऑप्शन या क्वेश्चन नंबर टेन ऑल टूगेदर डिफरेंट होगा मेरा क्वेश्चन नंबर टेन लीगल का है उसका क्वेश्चन तो नंबर टेन इंग्लिश का होगा इसी को तो कहते हैं ना डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर ए बी सी डी तो उसके बाद अगर आप ये सोच रहे हो कि मैल प्रैक्टिस होगा क्लियर कट इन्होंने यही कहा है कि ये मैल प्रैक्टिस होगा और बाकी सब इन्होंने देखो यहाँ पे ओ किस तरीके से आपको भरना है ये भी बताया इमेज वन ये करेक्ट मेथड है अगर आपने टिक लगाया गलत है अगर आपने क्रॉस कर दिया ये भी गलत होगा मतलब इसको कंप्यूटर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा आधा वाधा भी मत भरिएगा कायदे से पूरा भरिएगा उसी हिसाब से पेन भी लेके जाइएगा ठीक है तो ये इंस्ट्रक्शन है ये आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो सिमिलर देखेंगे आपको लास्ट ईयर से एक जो चेंज है ना ये बहुत बड़ा चेंज है तो उम्मीद यही रखिए क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है कि ये आ, हट जाएगा बहुत ही ज़्यादा मतलब डेलमा में रख दिया इन्होंने मतलब हम लोगों को एज फैक्ल्टीज एज टीचर्स एज स्टूडेंट्स आप लोगों को एज इन्विजिलेटर्स जो वहाँ पे सेंटर्स पे होंगे और उनकी गलती नहीं होती है बेटा एक बात बता दें हाँ अगर क्वेश्चन पेपर आपको देर में दे रहे हैं आप आपके साथ अगर कुछ गलत तरीके से व्यवहार कर रहे हैं वो बात अलग है है ना ये भी होता है सेंटरों पर लेकिन अगर वो ऐसे इंस्ट्रक्शंस आप डाल दोगे और अगर उसको वो फॉलो कर रहा है ब्लाइंडली तो वो उसकी गलती नहीं आप उसको नहीं कह सकते कि वो वहां पे अलाउ कर दिया तो वो अच्छा था ये नहीं अलाउ कर रहा है ये ये बुरा नहीं ये इसको फॉलो करेगा है ना तो बस हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट करने का जो ऑप्शन है इनका फोन नंबर भी होता है बेटा उनकी मेल आई डी भी ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं और एक स्टैंडर्ड मेल आप प्रिपेयर करके डालिए अपने जो कंसर्न्स हैं वन टू करके पॉइंटर्स हेडर्स डालिए और आप अपनी बात रख सकते हैं आई थिंक और डेफिनेटली इसको एड्रेस किया जाएगा जैसे पास्ट में इवेंट्स हुए हैं जहाँ पे एड्रेस किया गया और देखो अल्टीमेटली क्या है ना जो हमारा जुडिशल सिस्टम है ना वो स्टूडेंट फ्रेंडली बनाना चाहता है चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता है तो अगर ये मामला ऊपर तक के जाएगा ना तो यहाँ पे गलती निकलेगी तो यहाँ पे कॉन्सोटियम की ऐसा दिख रहा है क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ करोगे और इतना कम टाइम अगर आप दोगे है ना आप इतने कम समय में ऐसे बड़े बड़े डिसीजन नहीं ले सकते हो ये अलाउड नहीं है दिस इज नॉट लीगल दिस दिस इज इज आई थिंक वी कैन से दिस इज सेबिट्री ये एक्शन बहुत ही गलत एक्शन आप ले रहे हो ना जहां पे स्टूडेंट का आप बोल रहे हो मार्क नहीं कर सकते ना मार्किंग इज डॉट आल्सो मार्किंग इज अंडरलाइनिंग आल्सो मार्किंग इज द क्वेश्चन आल्सो

दिस इज़ वेरी बैड एंड यूपीएससी से लेकर के नीचे तक के कोई भी एग्जाम को उठा के देख लीजिए ऐसे आर्बिट्री रूल्स सेट नहीं होते हैं सो वी विल बी हियर होपफुल कि देखिए क्या चेंज होता है या uh, क्या डिसीजन आता है बट आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स में यही कहना चाहूँगी वैसे तो हमने यहाँ पे पीडब्ल्यू uh, में uh, स्टूडेंट्स को मना कर दिया कि आप मॉक्स वगैरह मत सॉल्व करो क्योंकि मार्क्स से इम्पैक्ट पड़ता है मार्क्स से मतलब ये होता है ना कि बच्चा बहुत ज्यादा प्रेशराइज फील करता है तो हमने तो यहाँ पे पीडब्ल्यू में मना करा हुआ है स्टूडेंट्स को लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है जो इस तरह से प्रैक्टिस करना चाह रहा है जो चाह रहा है कि हम इस तरह से प्रैक्टिस करें जहां पे हम अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं वो एकाध पैसेजेस को लगा सकते हैं लेकिन आप मार्क्स कैलकुलेट मत करिएगा मैं आपको सजेस्ट यही करूंगी कि आप सेक्शन उठा के लगाइएगा इंग्लिश के जरूर लगाइएगा क्योंकि वहां पे आपको अंडरलाइनिंग की बहुत जरूरत होती है तो जिन जिन सेक्शन लॉजिकल क्वांट में तो आपको रफ शीट मिल ही रही है लेकिन इन सेक्शंस में अपने लिए आप रेडी हो जाओ क्योंकि अभी तीन दिन आई थिंक दो तीन दिन का टाइम है आई डोंट थिंक सो देर मतलब मुझे बहुत कम ही चांसेस लग रहे हैं तो इसीलिए आप रेडी हो जाओ बाकी छोड़ देते हैं ऊपर वाले पे है ना तो इसी नोट पर आज का सेशन एंड करेंगे अपनी तरफ से तैयारी रखिए